दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार के राशन कार्ड धारक हैं तो अब सभी राशन कार्ड धारकों के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गया है और आप आयुष्मान कार्ड घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं या फिर नजदीकी राशन डीलर के पास या सीएससी संचालक के पास जाके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसे आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ व्यक्तियों का नाम पेंडिंग में चला जाता है। अब पेंडिंग में क्यों जाता है और पेंडिंग में जाने के बाद क्या आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। और अगर आपका नाम पेंडिंग में चला भी गया है तो अप्रूव कैसे होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजेल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप एक बिहार के राशन कार्ड धारक हैं और आप खुद से आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे उस पर वीडियो बना रखें, वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो को देख के आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेकिन मेन बात जो है कि आखिर जब अप्लाई करते हैं तो पेंडिंग में क्यों चला जाते हैं। पेंडिंग में जाने से पहले आप यह जानिए कि कौन से व्यक्ति को खुद से आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना चाहिए और कौन से व्यक्ति को नजदीकी डीलर के पास या सीएससी संचालक से अप्लाई करवाना चाहिए। तो पहले दोस्तों आपको यह जानना अति आवश्यक है। देखिए अगर आपके राशन कार्ड में जो सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना रहे उनका नाम और उनके आधार कार्ड पे दोनों सेम है तो ऐसी स्थिति में आप खुद से घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके इंस्टेंट अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में जो नाम है उस सदस्य का नाम है सोहन कुमार झा, ठीक है, आपके राशन कार्ड में है सोहन कुमार झा पूरा नाम है और उनके आधार कार्ड पे सिर्फ सोहन कुमार लिखा है तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आपको खुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे यह होगा कि जैसे आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन पेंडिंग में चला जाएगा। अब पेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों वो जो अप्रूव होने में होता है जो खुद से आप अप्लाई करेंगे उसमें एक दिन दो दिन मैक्सिमम 10 दिन तक भी लग जाएगा। या फिर इसमें एक दिक्कत और ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके आवेदन रिजेक्ट भी हो जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूर है कि अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो खुद से मत ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अब खुद से नहीं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नजदीकी डीलर के पास जाइए जहां से आयुष्मान कार्ड अभी बनाया जा रहा है विशेष कैंप अभियान के तहत, या जो सीएससी संचालक है जो आयुष्मान ऑपरेटर आईडी ले रखे हैं उनसे आप अप्लाई करवाइए। अब उनसे अप्लाई क्यों कराना चाहिए और क्या वो अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट आपका अप्रूव हो जाएगा, इसके बारे में आपको पूरे प्रूफ के साथ आगे बात करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है जिसे आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आना होगा। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं तो पहले आपको इस पर लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए आप बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप सीएससी ऑपरेटर है तो ऐसे में आपको ऑपरेटर पर क्लिक करना होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और लॉग इन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉग इन विकल्प पे क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे लोडिंग ले जाएगा, कुछ सेकंड वेट करना और इस तरह से आप पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे। अब लॉग इन होने के बाद यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला का नाम है, और उसका सर्च बाय पे क्लिक करना और यहाँ पे आप आधार नंबर पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर लेना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सर्च विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पे आपका इस तरह से सर्च रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। आपके आयुष्मान कार्ड में जितने व्यक्ति का नाम होगा उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये सदस्य का आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन सदस्य का इस लिस्ट में जैसे नाम है हूबहू ऐसे ही नाम उनके आधार कार्ड पे है और ऐसे में आप खुद से अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है और खुद से अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपका केवाईसी वेरीफाइड दिखाएगा लेकिन पेंडिंग हो जाएगा। अब दोस्तों खुद से जो अप्लाई करेंगे वो पेंडिंग तो हो जाता है, कभी कभार अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन अगर आपका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे पेंडिंग ही कुछ दिन तक देखने को मिलेगा और दोस्तों आपका कार्ड अप्रूव हुआ या नहीं, रिजेक्ट हुआ या नहीं, ये पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं और नाम में मिस्टेक है तो आप खुद से मत अप्लाई कीजिए, नजदीकी सीएससी संचालक से अप्लाई करवाइए। अब जैसे सीएससी संचालक अप्लाई करेंगे तो उसके में भी इसी तरह से पेंडिंग देखने को मिल जाएगा,
जैसे पेंडिंग होता है और सीएससी से आप करवाएंगे तो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है आपका अप्रूव हो जाएगा। किसी कारणवश अगर अप्रूव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पे पेंडिंग ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप पता लगा पाएंगे कि आखिर आपका आवेदन रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया। कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए जो सीएससी संचालक से आपने अप्लाई करवाया वहां पे जाइएगा, उसके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा कितना पेंडिंग है, कितना रिजेक्ट हुआ है, कितना अप्रूव है, कितना वो टोटल बना रखे, वो पूरे जानकारी आपको उनके सीएससी में देखने को मिल जाएगा। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो ऐसे में दोस्तों आप पता लगा पाएंगे कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। और जब पेंडिंग में जाता है तो उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है ताकि उस एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप जान पाए। तो दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि प्रूफ के तौर पे तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन इसी लिस्ट में ये जो 6 नंबर का डाटा है इसमें भी यही बार बार दिक्कत हो रहे थे। दिक्कत ये हो रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और मिडिल नेम है और इनके आधार कार्ड पे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट तीनों नाम है, तो जिस कारण से खुद से अप्लाई करते जब ये पोर्टल स्टार्टिंग में शुरुआत किए गए थे तभी लगातार 2-3 बार किए लेकिन आवेदन को रिजेक्ट कर रहे थे, और सीएससी से जैसे हमने करवाया तो यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप सीएससी से कराइए अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो आप खुद से अप्लाई करके बना सकते हैं।